हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केरलास रसोई। आज मैं बनाया है एक मसाला डोसा, लेकिन ये चावल का नहीं है, ये मैंने इधर आटा से बनाया। देखो ये भी कितना क्रंची है, सॉफ्टी मसाला डोसा है। और वीडियो आप पूरा देखिए। आज हम एक स्पेशल मसाला डोसा बना रहे हैं। इसके लिए चावल भूनने का या पीसने का जरूरी नहीं है। मैं इधर ले रहे आटा, 2 कप आटा लिया, दही लेना है 1 कप और देना है 1/2 चम्मच नमक। ये मेथी का पाउडर है, इससे डोसा का बैटर बहुत स्पॉन्जी क्रंची हो जाएगा। मेथी 1/2 चम्मच दिया, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर पानी डाल दीजिए, पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी ये अच्छे मिक्स हो गया, ये है हमारा कंसिस्टेंसी डोसा बैटर का रेडी हो गया। फिर लेना है एक छोटा पीस अदरक, वो भी अदरक थोड़ा सा कद्दूकस करके दिया। और इसके बाद में दे रहे ये कड़ी पत्ता, वो भी छोटा पीस करके। इससे क्या होता है, डोसा फ्राई होने का टाइम ये अदरक और कड़ी पत्ता का स्मेल बहुत अच्छा आएगा। और इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट छोड़ दीजिए। तब तक हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। मसाला बनाने के लिए मैं इधर पैन रखा है, और इसमें दीजिए 1 चम्मच तेल और देना है सौंफ। सौंफ के साथ साथ दीजिए मूंगफली थोड़ा सा। मूंगफली खड़ा फ्राई हो जाए हो गया। अभी देना है प्याज, मेरा 2 प्याज खड़ा पतला सा काट के दिया है। इसके साथ में दीजिए थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली। देखिए अभी प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया, पूरा फ्राई नहीं होना है, बस इतना सा सॉफ्ट होना है। इसी पे हम देना धनिया पाउडर 2 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी पाउडर अच्छे मिक्स कीजिए। और हम देना है ये आलू, मैं 3 आलू लिया, बॉईल करके रखा था, बॉईल करके काट के इसमें दीजिए। फिर दीजिए कड़ी पत्ता 1/2 चम्मच नमक। फिर इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि पूरा साइड में नमक का टेस्ट आना है और मसाला भी अच्छे से होना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, आलू का पीस थोड़ा छोटा हो जाएगा तभी। और ये गाजर है, मैं छोटा सा ग्रेट करके रखा था, वो भी इसमें दिया। गाजर भी देखें, बिल्कुल पानी नहीं देना, ये ऐसे ड्राई सब्जी है। और वो भी अच्छे से मिक्स करके, ये पूरा गाजर भी पकने के लिए थोड़ी देर इसको ढक कर रखना है 2 मिनट। और हमें देना है एक गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला दिया। और लास्ट में दीजिए धनिया पत्ता। फिर से इसको अच्छे से ऐसे मैश करके रखना है। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया। के लिए तवा रखा, अभी अच्छे से ये गर्म हो गया। इसमें हम थोड़ा पानी छिड़कना है, तभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैं बैटर डाल दिया।
अच्छे से पूरा तवा में फैला दीजिए। फिर इसका साइड से भी, बीच में से भी थोड़ा सा घी दीजिए। अभी दोसा थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, इसी टाइम हम बीच में देना, हमारा जो सब्जी बना था वो बीच में दिया। अभी देखिए दोसा रेडी हो गया, इसको हम फोल्ड करना। देखिए कितना क्रंची है, सॉफ्ट भी है। आपको मैं दूसरा भी एक दोसा बना के दिखा रहे, ये भी गरम तवा है, पानी छिड़क दीजिए। इसके बाद बैटर में अभी दे रहे, कटोरी में बैटर देके ऐसे घुमा दीजिए और बाकी सब सेम प्रोसेस है। इसके बाद चारों तरफ घी दीजिए, इसके बाद मसाला देना। इसका फोल्डिंग का तरीका भी अलग है, आप ध्यान से देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ गया है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, आपका सजेशंस कमेंट ज़रूर कीजिए और अगले रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।